नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जी हां दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और खबर सुनेंगे तो आपकी भी पांव तले की जमीन निकल जाएगी। और ये आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भरे मंडप में शादी के दिन, शादी के समय दूल्हा बरात लेके ससुराल में आता है, लड़का लड़की पक्ष आमने सामने होते हैं, तो उसी समय लड़की अपने हस्बैंड का जिसके साथ शादी होने जा रही है उसकी शक्ल देखते ही और वरमाला डालने से मना कर देती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की ओर। शादी का मंडप सज चुका था, बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची, खराते बराते सब डीजे के साथ पूरे जश्न में भरे हुए डांस कर रहे थे। दुल्हन ने भी अपनी सहेलियों के साथ डांस किया, बेहद शानदार अंदाज में दुल्हन ने एंट्री ली। अब वारी थी वरमाला और जयमाला की, और जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, जैसे ही दूल्हे का चेहरा देखा और दुल्हन भड़क उठी और दूल्हे को काला मोटा कलवा कह के वरमाला डालने से नकार दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उम्र दराज भी बता करके शादी करने से मना कर दिया। यहाँ इतने बड़े शादी समारोह में देख के, और जब शादी कैंसिल हुई तो सबके पाँव की जमीन खिंच गई। फिर लड़की ने लड़के के गले में वरमाला नहीं डाली और शादी से साफ साफ मना कर दिया। जितने मौके मेहमान आए थे सब ने मिल के लड़की को मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लड़की जो है शादी के लिए राजी नहीं हुई और कहने लगी कि मैंने दूल्हे की उम्र ज़्यादा लगती है और वह काला और मोटा भी है, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती। अगर मैंने ऐसे आदमी से शादी की तो मेरी सहेलियाँ भी नाराज हो जाएंगी, ऐसा बताया गया है, और मेरा मजाक भी बनाएंगी। जबकि यह शादी 15 मई को होनी थी। मोदी बारात गाजे बाजे के साथ लड़की घर पहुंची। इतना ही नहीं, जबकि लड़का और लड़की पक्ष दोनों आमने सामने हुए और वरमाला जयमाला की तैयारियां में हुई तो लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। ये सब चीजें देख के लड़की ने दूल्हे को तिलक लगाना और वरमाला पहनाने से साफ साफ मना किया, और लड़की पक्ष के लोग हैरान रह गए। काफ़ी मेहमानों ने लड़की को समझाने की कोशिश की और उसने शादी से फिर भी लड़की ने मना कर दिया और वह तुरंत अपने रूम में चली गई। जब दुल्हन से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने साफ तौर पे कहा कि लड़का काला और मोटा और उम्रदराज भी। तमाम रिश्तेदारों ने मेहमानों ने मनाने की कोशिश की लेकिन लड़की ने किसी की भी नहीं सुनी। इस दरमियान लड़की के पिता भी खुद अपनी बेटी को मनाने की कोशिश में लगे लेकिन उनकी भी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, बताया गया है कि खुद लड़के पिताजी ने भी हाथ पैर जोड़ने की कोशिश की लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। इस बारे में लड़के पिताजी ने बताया कि सारी तैयारियां हो चुकी थी, संधि मिलन भी हो गया था। लड़के पिताजी ने यही बताया है कि स्टेज पर जैसे ही मेरी बेटी ने लड़के को देखा है और उसने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि लड़के पिताजी ने बताया है कि मेरी बेटी ने तो वरमाला डाली और न ही लड़के को तिलक किया। आज आप लोग अपनी राय जरूर देना, क्या द्वार पे आए दूल्हे और बारातियों के साथ में बेटी को ये स्टेप लेना सही था? क्या शादी से पहले लड़के और लड़की का इसी वास्ते मिलना ज़रूरी होता है? क्या लड़के पिताजी ने जो किया वो सही किया गलत किया? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और आप लोग इसको शेयर करते रहना। हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इसको शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।